हेलो एवरी वन एम निखिल महेश्वरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज सेगमेंट ऑफ एन एम सी आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है वेदर द प्राइवेट स्कूल्स कैंड चार द स्कूल फीसज ड्यूरिंग द लॉकडाउन और नॉट ले सकते हैं या नहीं जैसा हमें ऑलरेडी पता है कि ट्यूशन फीस के अलावा भी हमारे स्कूल की जो फीस स्लीप है उसमें काफ़ी सारे अदर चार्जेस भी लगे हुए होते हैं जिसमें आपका हो सकता है ट्रांसपोर्ट दैट इज बसेज फूड यूनिफॉर्म या एनजली चार्जेस लगे हुए हों क्या वो स्कूल ले सकता है या नहीं इस चीज के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिसेंटली एक पिटिशन फाइल हुई थी और एक प्रैक्टिस ने वो फाइल की उन्होंने कहा कि अगर स्कूल्स पढ़ाते हैं तो वो ट्यूशन फीस ओनली ट्यूशन फीस चार्ज करें और नहीं पढ़ाते तो वो भी चार्ज ना करें दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस प्रतिभा एम रानी जी ने ये केस देखा और उन्होंने कहा कि स्कूल्स को फीस लेना उतना ही जरूरी है जितना कि स्कूल को स्टाफ एंड टीचर्स को सैलरी देना जरूरी है उन्होंने अपने जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए बोला कि स्कूल्स खाली ट्यूशन फीस लेंगे क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो डेली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था सेवेंटी अप्रैल टू को जिसमें उन्होंने क्लियर ये नोटिफिकेशन दी थी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल डेली का ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीसिस डेली के पेरेंट्स या बच्चों से चार्ज नहीं करे उन्होंने अपने जजमेंट को जो डेली गवर्नमेंट का ये जजमेंट था जो ऑर्डर था उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने फर्दर क्या एडिशन किया उन्होंने कहा कि ना ही कोई स्कूल आई ऑल रिपीट कंप्लीट जजमेंट ना ही कोई स्कूल लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस ले सकता है ना ही एडवांस फीस मांग सकता है ना ही वो आपके किसी भी बच्चे की फीस को बढ़ा सकता है दैट इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी से पहले जो अपना सेशन था उसमें जो फीसिस थी वही फीस इस साल रहेगी इस साल फीस नहीं बढ़ेंगी आपकी हाँ इसमें दो स्कूल ने फीस बढ़ाई थी उनके ऊपर एफ हुई और उनके ऊपर केस आज भी चल रहा है साउथ डेली के दो स्कूल्स थे ये अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये बोला कि मंथली फीस जो इंस्टॉलमेंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें मंथली इंक्रीमेंट है न, उस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा दें कि मंथली में इंस्टॉलमेंट तरीके से फीसेज लें स्कूल जो ज़्यादा बेटर रहेगा साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ नॉट इन अ कंडीशन ड्यूरिंग लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से अगर कोई भी बच्चा फीस देने में असमर्थ है इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग द फीस तो उसको ऑनलाइन क्लासेस से डिप्राइव ना रखा जाए एंड uh, कोई भी स्टडी मटेरियल है उसको उससे वंचित ना रखें वो भी उसको प्रोवाइड किया जाए हाँ लॉकडाउन खुलने के बाद उस बच्चे से आप वो सारी फीसिस इकट्ठा ले सकते हैं so, सो उन्होंने एक साथ ही साथ जो सोसाइटी को मैसेज दिया वही मैसेज ये है कि एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस वी शुड अंडरस्टैंड एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है और इस समय जिस वक्त हमारे देश को एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा हम इस तरीके से गवर्नमेंट जो है साथ ले सकते ओके थैंक यू वेरी मच आई होप आज का ये जो सेशन था इसमें आपके नॉलेज में कुछ अनेंसमेंट हुई थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कॉमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप